हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का वीडियो हरियाणा ग्रुप डी की जो प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है उसका 7वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं, तो जिसने भी अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का ऑप्शन दे दिया है, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। साथ ही इन वीडियो के अगर आपको PDF डाउनलोड करना है विद आंसर की, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर कूल बॉय कुलबीर लिख के आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं और वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। लगातार ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ हमारी चलती रहेगी, तो आप चैनल के साथ बने रहें। और जो चैनल है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम तब तक होगा तब तक ही हमारे प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलती रहेगी, ठीक है, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, साथ में घंटी का बटन भी ज़रूर दबा लें, इससे क्या होगा जब भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय आपका खराब करेंगे नहीं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है, कौन सा हो जाएगा ये? यह अनुच्छेद 239 दोस्तों। ठीक है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कहाँ पर स्थित है? अरावली की आपकी राजस्थान के अंदर। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के अंदर है ये। गुजरात से गुजरने वाले अक्षांश खस्तान से भी गुजरते हैं, कहाँ से गुजरते हैं? राजस्थान से भी गुजरते हैं। ठीक है, अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी आपकी 1920 के अंदर। भू राजस्व की प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनके सीधे कर वसूल करती थी, तो कौन सी व्यवस्था थी ये थी रैयतवाड़ी। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? तो हिंदी है आपकी कौन सी अनुसूची में? 5वीं अनुसूची में। हिंदी आपके 8वीं में है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में। उसके बाद सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो सम्राट अशोक के बारे में बात करें, यहाँ पे देखिए अशोक का संबंध मौर्य वंश से था। ठीक है, अशोक विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसे राज्य जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था। अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया उसकी स्थापना उसके दादा ने की थी। तो इसका जो सही आंसर आएगा आपका, देखिए क्या हो जाएगा, चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसे कौटिल्य। जी हाँ, तीनों पहले वाले गलत हैं, फोर्थ ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, निम्न में से कौन सा विटामिन K1 का दूसरा नाम है? तो K1 का जो नाम है आपका वो हो जाएगा फाइलोक्विनोन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। 6 अप्रैल 1919 को किसके विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था? ये बनाया गया था आपका रोल्ट एक्ट के विरोध में। ठीक है, देव दीपावली नामक त्यौहार इनमें से किस शहर में मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है वाराणसी के अंदर दोस्तों। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? कोलकाता बंदरगाह आपका हुगली नदी के ऊपर। ठीक है, जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो ये किसकी सहायक नदी है आपकी? लूनी नदी की। ठीक है, खालिस्तान एक टूल है जिसका उपयोग MS Excel 2010 में डेटा की गणना सारांश और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है, और यह आपके डेटा में तुलना पैटर्न और रुझान देखने के लिए सुविधा देता है। तो क्या हो जाएगा ये आपका पिवट टेबल। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा पिवट टेबल, इसको हम बोलते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सुमेलित नहीं है? तो इनमें से बात करें, यहाँ पे देखिए नाटो का ब्रुसेल्स में है, बिल्कुल सही है। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में, ये भी सही। विश्व बैंक का वाशिंगटन में सही है। ओपेक का, जी हाँ ओपेक का यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन। ठीक है, आपने कमेंट करके बताना है ओपेक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिस ओडायर की हत्या किन के द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपकी उधम सिंह के द्वारा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन है, पहला न्यूमेरिकल है, इसको आप खुद से कर लेना। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, 50 मीटर पर सेकंड। बाप से हाथ अधिक जलता है, अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाप में जो गुप्त उसमें वो अधिक होती है, इसलिए। उसके बाद ये न्यूमेरिकल है 18 का, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आपका फर्स्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अल्ट्रासाउंड का। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि आप
लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या हो जाएगा? खड़ी हो जाती है तो दोलन काल जो आपका वो कम हो जाएगा। दोस्तों मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? तो ये आ जाएगी आपकी 106 ओम। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम आपका अब अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के ऊपर, ठीक है। जल सीधे बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है, जब सीले बिस्कुटों को, ठीक है, थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है फ्रिज के अंदर आर्द्रता जो है वो कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है, ठीक है। गैसो होल क्या है? तो गैसो होल आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल, ठीक है। CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत कितना है? कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसके अंदर जो आपका प्रतिशत है कार्बन का वो है 12%, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, अमल वर्षा मुख्यतः किस कारण होती है? अमल वर्षा के लिए मुख्य है आपके SO2 और N2O, ठीक है। SO2 हो जाएगा सल्फर ऑक्साइड। इनमें से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ खिड़की के लिए आपका होता है पॉलीकार्बोनेट, ठीक है, वो ऑप्शन एक हो जाएगा। इनमें से कौन वास्तविक रूप से मछली है? मछली इनमें से कौन सी हो जाएगी? समुद्री घोड़ा, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। सांप के जहरीले दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है किसका? जंबिका दंत के, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। सेब के फल में लाली का कारण क्या होता है? तो लाली का कारण होता है एंथोसाइनिन, ठीक है, एंथोसाइनिन। उसके बाद मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये आप PDF डाउनलोड करके खुद से करके देख लेना, इनके आंसर पूरी PDF के आंसर आपको इसी PDF में मिल जाएंगे। ये PDF आप डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप से कूल बॉय कूल बी लिख के सर्च कर लेना, ठीक है। अब आते हैं इंग्लिश के ऊपर। चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडम्स, आपने बताना इडम्स और फ्रेज एंड इन स्मोक, इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका बियर नो फ्रूट, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक, व्हाई आर यू मेकिंग डैश नॉइस, तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा ए, मेकिंग ए नॉइस, ठीक है। फाइंड आउट एरर पार्ट आपने बताना है, तो इसमें आ जाएगा आपका ही वॉज लुकिंग इम्पेशेंट एट द अनवांटेड विजिटर हु शोड नो साइन ऑफ लीविंग द रूम, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 58 का? ये हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन कौन सा है? एट द अनवांटेड विजिटर, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। 59 का देखिए, कन्वर्टेड इन पास्ट टेंस, ठीक है, पास्ट टेंस में बदलना, दे डू नॉट ट्रस्ट इन गॉड, तो इसका क्या हो जाएगा? दे डिड नॉट ट्रस्ट इन गॉड, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। एंटोनियम आपने बताना सेपरेट का, ठीक है, सेपरेट अलग अलग होता है, तो इसका हो जाएगा अमलगमेट, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद सिक्योर का सिनोनियम आपने बताना है, सेम मीनिंग सिक्योर, तो इसका हो जाएगा आपका सेफ, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है, फॉरवर्ड दिए गए इनमें से करेक्टली स्पेल्ट जो है आपने वो बताना है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन, क्या UINTEESENC, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें जंबल्ड वर्ड है ये, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड CABD, ठीक है, ये देख लेना। उसके बाद है यहाँ पे पैसिव एक्टिव वॉइस में बदलना है, डू यू एक्सपेक्ट यू पेरेंट्स टू कम फ्रॉम दुबई टुडे, तो इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, आर योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेड टू कम फ्रॉम दुबई टुडे, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, द प्रिंसिपल सेड टू देम दैट ही डिड नॉट वॉन्ट टू सी एनी वन टू रिटर्न विद ए कंप्लेंट अगेंस्ट देम, तो इसको आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलना है, तो इसका देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड, द प्रिंसिपल सेड टू देम आई डू नॉट वॉन्ट टू सी एनी वन टू रिटर्न विद ए कंप्लेंट अगेंस्ट यू, ठीक है। उसके बाद हिंदी का पार्ट अच्छे से देख लेना, अचानक घबरा जाना अर्थ के लिए निम्नलिखित में से उचित मुहावरा कौन सा हो जाएगा? अचानक घबरा जाना, तो इसका हो जाएगा हाथों के तोते उड़ना, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। मैंने मेरे को सुधार लिया है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो कौन सी अशुद्धि है? मेरे को, तो इसमें सर्वनाम की, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। कंगाली में आटा गीला
प्रस्तुत लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? तो कंगाली में आटा गीला का मतलब है मुसीबत में और मुसीबत आना, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। कनक कनकते सोगुनी मादकता दिखाए, या खाए बोराए जग वा पाए वो राय, यहाँ कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? तो इसमें हुआ आपका कौन सा, सेकंड ऑप्शन यमक अलंकार, ठीक है। साकार का विपरीत शब्द दिए हुए विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा? साकार का क्या होता है दोस्तों, निराकार, ठीक है, सेकंड ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो वह क्रिया का संदर्भ क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है आपका ऑप्शन सेकंड संदिग्ध वर्तमान, ठीक है, संदेह होता है तो संदिग्ध हो गया, ठीक है। जबरदस्ती चिपका हुआ, इसके अर्थ को दर्शाना सही मुहावरा कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गले पड़ना, ठीक है, जबरदस्ती चिपका हुआ। वह तुम और हम बाजार जाएंगे, वाक्य को शुद्ध कीजिए, तो कौन सा हो जाएगा इनमें से? देखिए हम तुम और वह है, ये आएगा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए, अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा इसमें लुप्तोपमा, ठीक है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटि है जिसका शुद्ध रूप कोई एक विकल्प में है तो वह विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो वह आपका मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ, शुद्ध ये हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। अब इसके बाद हरियाणा सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है, इनको देख लें। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा गलत है? देखिए वर्ष 2014 के दौरान गुड़गांव की जनसंख्या सर्वाधिक वृद्धि हुई, ठीक है, उसके बाद गुड़गांव हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। वर्ष 2011 के दौरान झज्जर की जनसंख्या में न्यूनतम वृद्धि हुई, हरियाणा फरीदाबाद जिले का सर्वाधिक गंतव्य। तो यहाँ पे बात करें, देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन देखिए पहले इनके, ऑप्शन तो इसके हिसाब से तो बात करें तो कौन सा सही है इनमें से? गुड़गांव हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। 2001 से 11 के दौरान झज्जर की हरियाणा फरीदाबाद जिले की जनसंख्या अधिक है, जनसंख्या घनत्व नहीं है, ठीक है, ये गलत हो गया। न्यूनतम ये भी गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, गुड़गांव उस समय। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए किस विद्वान ने हिंदी का प्रचार प्रसार कटक से कश्मीर तक किया? ये किया था स्वामी दयानंद ने दोस्तों, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से बात करें ऑप्शन आपका हो जाएगा, देखिए नेहरू में कौन सा, नेहरू स्टेडियम में राज्य के प्रथम जूडो एस्ट्रोटर्फ का निर्माण किया गया, बिल्कुल ठीक है। वर्ष 1987 में कपिल देव ने अपनी कप्तानी, विषय गलत है, पहला भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। चिल्ली में आयोजित 8वीं विश्व जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला सीमान तिल, ये बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन ये भी गलत हो गया, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। हरियाणा राज्य में गुलाब के फूल की पैदावार एशिया में सबसे अधिक कहाँ पे होती है? ये होती है चंडीगढ़ के अंदर, फर्स्ट ऑप्शन। हरियाणा राज्य में वर्षा का वार्षिक औसत, जो गर्मियों में हमने बताया था 35 डिग्री है, और अब वार्षिक औसत की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 45, ठीक है, 45 सेंटीमीटर। निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, जो गलत है वो आपने बताना है इनमें से। देखिए सतनामी संप्रदाय के लोग भक्ति आंदोलन के संतों के अनुगामी थे, बिल्कुल सही है। सतनामियों में छोटी जातियों के लोगों की संख्या अधिक थी, ये भी सही है। सतनामियों में फौजदार ताहिर खां को पराजित कर नारनौल पर अधिकार कर लिया, ये भी सही है। नारनौल पर अधिकार करने के बावजूद सतनामी उन किसानों से माल गुजारी की नहीं वसूली, ये गलत है, वसूली थी, ठीक है। उसके बाद भारत में असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सा क्षेत्र जन क्रांति के रंग में रंग गया था? तो ये रंग गया था आपका गंगा सतलज, ठीक है, सेकंड ऑप्शन। काबुली बाग का निर्माण किसने करवाया था? काबुली बाग का निर्माण आपका करवाया था बाबर ने, ठीक है। स्काईलार्क, काला अंब, ब्लू स्माल का पर्यटक कहाँ स्थित है? तो ये आपके पानीपत के अंदर। हरियाणा पंजाब सीमा आयोग का गठन कब किया गया? हरियाणा पंजाब सीमा आयोग ये 20 अप्रैल 1966 को दोस्तों। हरियाणा राज्य के उद्योग में राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार प्रति हजार कितना है? ये हो जाएगा आपका कितना, 319। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, महेंद्रगढ़ जिला औद्योगिक दृष्टि से एक विकसित जिला है, यहाँ पर्याप्त मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, बिल्कुल खनिज पाए जाते हैं महेंद्रगढ़ में, ठीक है, पहला ऑप्शन गलत है ये। रेवाड़ी जिला बनने से पूर्व यह मध्यम से वृहत उद्योग थे, ये भी बिल्कुल सही है, तो सेकंड और थर्ड कौन से ऑप्शन में, थर्ड में, ठीक है, तो ये हो जाएगा। राज्य में किस फसल को स्थानीय भाषा में आषाढ़ी की फसल कहा जाता है? किसको बोलते हैं? रबी की फसल को, ठीक है, आषाढ़ी। उसके बाद
हरियाणा राज्य में प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य कब पूर्ण किया गया? प्रत्येक गांव में बिजली हरियाणा में पहुंच गई थी 1970 के दौरान, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, 29 नवंबर 1970। हाल ही पानीपत का नाम हरियाणा के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ये क्या थे, एक कवि हैं, ठीक है, अल्ताफ हुसैन आली। निम्न में से कौन सा नदी मुलाना के इसमें मारकंडा नदी में मिलती है, कौन सी नदी मिलती है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड, टांगरी नदी। किस वर्ष हरियाणा सरकार ने साइबर सिटी में रैपिड मेट्रो चलाने की अनुमति दी? ये दी आपकी 2009 के अंदर, ठीक है। 0 से 6 वर्ष की जनगणना किस जिले में अपनी कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में सबसे कम है? तो सबसे कम कौन से जिले में? अम्बाड़ा के अंदर, 0 से 6 वर्ष। पतंजलि योगपीठ के संस्थापक योग गुरु बाबा रामदेव का जन्म कहाँ पे? महेंद्रगढ़, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद है, नवंबर 1982 में दिल्ली में हुए 9वें एशियाई खेलों में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने 20 किलोमीटर चाल में स्वर्ण पदक जीता था? 1982 की बात है ये, तो उस समय जीता था चांदराम ने, ठीक है, पैदल चाल में। मनुस्मृति में हरियाणा राज्य जो सरस्वती एवं दृष्टवती नदियों के मध्य स्थित था, उस क्षेत्र को कहा जाता था, क्या बोलते थे? उसको बोलते थे ब्रह्मवर्त। उसके बाद नेक्स्ट है, किस प्रकार की मिट्टी को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है? रोसली मिट्टी किसको बोलते हैं? जो हल्की दोमट मिट्टी होती है उसको बोलते हैं। कहाँ के गवर्नर तेजपाल ने अहिरवाल क्षेत्र में गोरी की सेना में जमकर लड़ाई की? तो इस सेना से जमकर लड़ाई की थी, ये थी रेवाड़ी, ठीक है। क्रांति का बिगुल हरियाणा में सर्वप्रथम कहाँ बजा था? सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई थी? अम्बाड़ा छावनी से, दोस्तों, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, सोम सरोवर तीर्थ कपाल मोचन यानी कि कहाँ पे है ये आपका? तो ये हो जाएगा बिलासपुर, यमुनानगर के अंदर, ठीक है। और आंसर की आपको यहाँ पे दे दी गई है, तो इसको डाउनलोड कर लेना, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आप करके देख लेना, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।